मैं जानती हूँ कि वो आप ही थे जिसने मेरे पिताश्री को मुझसे छीना, उनकी हत्या कर दी। क्यों दाइमा, क्यों मेरी दुर्धरा मुझसे इतनी रुष्ट? कैसे समझाऊं उसे कि मेरे पास पिताश्री की हत्या करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प था ही नहीं। अब इसमें क्या मेरी गलती है कि पिताश्री मेरे भीतर के छिपे कुशल राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ सम्राट को देख ही नहीं पाए? आप बताइए दाइमा, क्या उनके अन्य पुत्रों में से किसी के पास भी इतना सामर्थ्य है कि वो मगध के सिंहासन पर बैठ सके? पिताश्री तो हट किए बैठे थे कि वो मगध को अपने सभी पुत्रों में बराबर बांट देंगे ताकि उनका प्रत्येक पुत्र सम्राट बन सके, किंतु ये तो मूर्खता है ना दाइमा। इसीलिए मगध की अखंडता को बचाने के लिए मुझे उनकी हत्या करनी पड़ी। मुझे मेरी बहन सबसे अधिक समझती है, तो इतनी सरल सी बात वो समझ नहीं पा रहे। आखिर मैंने क्या पाप किया है दाइमा? नहीं सम्राट, आपने कोई पाप नहीं किया है। दुर्धरा अभी युवा है और परिस्थिति की गहराई को समझ नहीं पा रही है, और ऐसी आयु में हम भावनाओं में बह जाते हैं। दुर्धरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सम्राट, आप उसे थोड़ा समय दीजिए, सब भूल जाएगी और आपको क्षमा भी कर देगी। नहीं दाइमा, मेरी बहन मुझे क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए प्रेम नहीं, घृणा। बचपन से मेरे प्रति उसकी भावनाओं को मैंने उसकी आंखों में स्पष्ट देखा है। वो प्यार, वो सम्मान, वो स्नेह, वो विश्वास, सब कुछ कहीं खो गया है। जैसे उसके हृदय में कुछ टूट गया हो। मुझे उस अंश को फिर से जोड़ना है दाइमा, उसे सिद्ध करना है कि उसका भाई श्वासघाती पापी नहीं है, बल्कि मैं जहां तक पहुंचा हूं अपनी योग्यता के कारण पहुंचा हूं। तो ये सब मैं कैसे करूंगा मैं नहीं जानता। क्रोध आ रहा है मुझे स्वयं पर, क्योंकि उस चंद्रगुप्त ने मरने के पश्चात भी मुझे ऐसा घाव दिया है जो प्रत्येक क्षण मुझे पीड़ा दे रहा है।